पूरे देश को झकझोर देने वाले हाथरस गैंगरेप की जांच के लिए अब सीबीआई पीड़िता के भाई को भी गुजरात लेकर गई है। गुजरात में उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराया जाएगा। गौरतलब है कि हाथरस कांड में पीड़िता के भाई ने ही एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे पहले पिछले महीने ही अलीगढ़ जेल में बंद चार आरोपियों को भी गुजरात ले जाया गया था, जहाँ पर आरोपियों का पोलियोग्राफी टेस्ट और बायो प्रोफाइलिंग हुई थी। इस टेस्ट की रिपोर्ट भी शुक्रवार को सीबीआई को सौंप दी गई। अब शिकायतकर्ता के साइकोलॉजिकल असेसमेंट और आरोपियों की पोलियोग्राफी टेस्ट बायोज के आधार पर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स लिंक जोड़ते हुए फाइनल रिपोर्ट सीबीआई को देंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता क्या है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट यानी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। इसमें शिकायतकर्ता या अभियुक्तों को विभिन्न काल्पनिक स्थितियों का सामना कराया जाता है। उनके बारे में उनसे सवाल पूछे जाते हैं और इस दौरान उनसे उनकी प्रतिक्रियाएं रिकॉर्ड की जाती हैं। इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही मनोवैज्ञानिक पहलुओं, लक्षणों और उद्देश्यों को नापा जाता है और उसकी साइकोलॉजिकल स्थिति को कंसिडर किया जाता है। सीबीआई सूत्र बताते हैं कि सीबीआई को कई ऐसी स्थिति मिली है जिनका सटीक जवाब उसको चाहिए और इसी वजह से वो शिकायतकर्ता का साइकोलॉजिकल असेसमेंट करा रही है। हालांकि विशेषज्ञ जांच के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे और क्या करेंगे अभी तक ये तय नहीं है, क्योंकि यह सीबीआई के अधिकारियों को फोरेंसिक विशेषज्ञों से बातचीत के बाद तय करना है। सीबीआई इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों से इस संबंध में फोन पर बातचीत कर चुकी है। आधिकारिक पत्राचार के बाद विशेषज्ञ टेस्ट की तारीख, टेस्ट और समय निर्धारित करेंगे। गौरतलब है कि इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिला दिया था और इस घटना की प्रारंभिक जांच उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही थी, लेकिन इस दौरान उस पर गंभीर आरोप लगे थे और इसके बाद लगातार इस घटना की सीबीआई जांच कर रही है, जो मौके और गांव वालों से कई स्तरों पर विजिट कर चुकी है और इससे पहले वो आरोपियों का नार्को टेस्ट करवा चुकी है और अब पीड़िता के भाई की साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराया जा रहा है। दरअसल इस साइकोलॉजिकल असेसमेंट से सीबीआई कई सवालों के जवाब चाहती है। इससे सीबीआई जानना चाहती है कि पहली बार उसने पुलिस से क्या कहा था, वह पुलिस की जांच को लेकर क्या सोचता है। एजेंसी यह भी जानना चाहती है कि यूपी पुलिस ने इस केस में क्या गलत किया। सीबीआई को इन तमाम सवालों का जवाब साइकोलॉजिकल असेसमेंट से ही मिलेगा। गौरतलब है कि इस मामले की अब अगली सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 27 जनवरी को होगी, क्योंकि सीबीआई ने जाँच के लिए थोड़ा और समय की मांग की है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।